गुड मॉर्निंग फैमिली, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो कि नवरात्रे मेकअप है। अगर आप लोग नवरात्रों में ऐसे तैयार होगे तो बहुत क्यूट लगोगे, और बजट भी ज़्यादा नहीं है। 100 रुपये में आप बिल्कुल तैयार होके रेडी हो जाओगे, और ज़्यादा पैसा भी नहीं है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। 5 मिनट भी नहीं लगा, मैं रेडी हो गई। सो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ। सबसे पहले मैं फेस वॉश करके आई हूँ। फेस वॉश से और अच्छे से क्लीन करके सुखा लिया है। अभी बस इसमें मैं नॉर्मल क्रीम लगा लूँगी ओरी फ्लेम का, और उसको अच्छे से मर्ज कर लूँगी पूरे फेस में, ताकि जो भी ड्राइनेस हो सब हट जाए। तो अच्छे से इसको चला मिक्स कर लूँगी, जो गर्दन वगैरह सब कुछ लगा लेना है अच्छे से। और उसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी, ओरी फ्लेम का ही प्राइमर लगाऊंगी जो कि बहुत अच्छा होता है। बस इसको 1 पिंच लेके और हल्का सा पूरा पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। ये बहुत ज़्यादा फैलता है, ऑयली फेस के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद बस अब आँख वगैरह गर्दन सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी है फेस हमारा अच्छे से, इसको लगाने से तुरंत ग्लो करने लगता है फेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट में बताना अगर आप लोगों को इससे अच्छे अच्छे मेकअप देखने आए तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी। ये है जो मेरा डार्क एरिया है फेस पे, पिंपल्स वगैरह हो जाता है ना, उसके लिए तो वो लगा लूँगी मैं। इसको कैरेक्टर बोलते हैं, बस इसको लगा लूँगी मैं, और अच्छे से ब्रश से मिक्स कर लूँगी, ताकि पैच ना पड़ना चाहिए, नहीं तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा डार्क है वहाँ वहाँ मैं सारा अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद ब्लू हेवन का मैं 75 का ये फाउंडेशन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है और तुरंत ग्लो करता है फेस पे। तो 75 का मिलता है, और बस इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, और पूरे फेस में गर्दन में चारों तरफ लगा लेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर है आपके पास तो उससे अप्लाई कर सकते हो, अगर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो ब्रश से भी कर सकते हो, और अगर ब्रश भी नहीं है आपके पास तो आप हाथ के जो दो उंगलियाँ होता है बस उससे उससे डैब डैब करना है आपको, कुछ घिसना नहीं है, बस डैब डैब करना है फेस पे। डैब डैब करके अच्छे से इसको सारा फाउंडेशन अच्छे से मर्ज कर लेना है पूरे फेस में। तो बस इसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे, और इस बार दशहरे में अगर आपको घूमने जाना है तो ऐसे तैयार होइए, सब लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। और ज़्यादा बजट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, फाउंडेशन 75 का है, और बस लाइनर वगैरह तो सब घर पे रहता ही है, बस थोड़ा सा लगा के तैयार हो जाइए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे, 10 मिनट भी नहीं लगा, मैं तैयार हो गई थी। अभी हम इसको अच्छे से आई के ऊपर वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि अभी आई जो हमारा होता है ना बहुत डार्क होता है, तो सारा अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डार्क होता है लिप्स के आसपास में, इसको भी लगा लेंगे। अभी मैं लूज पाउडर लगा लूँगी, जो फेस पाउडर होता है ना लोटस का, मेरे पास वो लगा लिया मैंने। तो अभी बस मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ ब्राउन कलर से, ब्लैक भी कर सकते हैं बट मैं ब्राउन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरे पे ब्लैक सूट नहीं करता है। तो ब्राउन से मैं पूरा फिल कर लूँगी आईब्रो को, और नवरात्रों में आईब्रो नहीं बनाया तो मैं थोड़ा बहुत सेट कर लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में मैं बनवाती नहीं हूँ। देखो कुछ इस तरह से सेट कर लूँगी, और मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, इसीलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ही आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि बहुत ओवर करने से ना बिल्कुल चाइनीज़ दिखती हूँ। मैं हल्का ही लगाऊंगी, अभी मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर लगा लूँगी, ताकि जो मैं आई मेकअप करूँ तो जो भी डस्ट हो मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो बस मैं अच्छे से लगा लूँगी यहाँ पे, कि जो भी गिरता है ना तो उसको फटाफट आप क्लीन कर सकते हो। नीचे फेस पे फाउंडेशन लगा होता है ना तो चिपक जाता है, तो इसको लगाने से इजी रहता है। तो बस अब हम आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप करने के लिए मेरे सामने शीशा नहीं था, मैं कैमरे में ही देख रही थी, तो आप लोग प्लीज़ हंसना नहीं। तो मैं अच्छे से इसको लगा लूँगी, मैंने पिंक कलर का,
पिंक कलर को अच्छे से जितना मतलब हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा कलर निकल के आएगा। सो अभी मैं हल्का सा पर्पल लूँगी और बीच में जो सेंटर में होता है ना वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का। ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे ड्रेस में ब्लू भी है और पिंक भी है। सो मैं बस हल्का सा पिंक ब्लू कलर बीच में अप्लाई कर लूँगी सेंटर में। बस अब मेरा आई मेकअप डन हो गया तो अभी लाइनर लगा लेती हूँ। और जैसे कि मैं मिरर नहीं था सामने, बहुत छोटा सा मिरर था, सो मैं कैमरे में देख के कर रही थी, तो आप लोग माइंड मत करना क्योंकि और फर्स्ट टाइम ही मेकअप का मैं डेमो दे रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों ने प्यार दिया तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस मेकअप वाली लेके आऊँगी। अभी मैं लाइनर लगा लेती हूँ, स्केच लाइनर ही मेरे को सूट करता है क्योंकि इसको सुखाने का झंझट नहीं होता है, फटाफट लगाओ और फिनिश हो जाता है। ये आपको 50 रुपये समथिंग मिल जाएगा। तो बस अभी हम लाइनर लगा लेंगे और इसको मतलब सुखाना तो है नहीं, बस हो गया। अभी मैं मस्कारा लगा लूँगी और मेरा जो लाइसेज है बहुत अच्छा है, फेक लाइसेज लगाने की ज़रूरत नहीं होता है मुझे क्योंकि मेरा खुद का नेचुरल बहुत अच्छा है। सो बस मैं इस पर मस्कारा लगा लूँगी और कर्ल कर लूँगी, उसी से मेरे लाइसेज बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा दिखने लगता है। बस मैं कर्ल कर लेती हूँ तो फिर काजल लगा लूँगी। मैं काजल पूरा फुल नहीं लगाती हूँ, मैं बस हाफ आईज़ में लगाती हूँ और हल्का हल्का मतलब बहुत हल्का लगाती हूँ क्योंकि आंखें छोटी हैं और ज़्यादा डार्क काजल मुझे पसंद नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भर भर के लगा सकते हैं। तो बस अभी मैं सारा डिसआउट कर दूंगी जो भी फेस पे था। मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए। सो देखो कुछ इस तरह से मैं नेक वगैरह सब कुछ अच्छे से अप्लाई कर लूँगी उसको सेट होने के लिए जो फाउंडेशन मैंने लगाया है। अभी मैं ब्लशर लगा लूँगी, स्माइल करते हुए ब्लशर लगाने से बहुत अच्छा मतलब आता है लुक, तो स्माइल करते हुए ही लगाएं। और मैं थोड़ा सा चीक पे भी लगा लूँगी और नोज़ पे भी लगा लूँगी, बस देखो मुझे बहुत पसंद है तो मैं लगा लूँगी। अभी मैं हाइलाइटर लगा लूँगी। हाइलाइटर आप मैं मतलब हाथ से ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और सारी लड़कियों को हाइलाइटर बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, मुझे पता है। कुछ लगे ना लगे हाइलाइटर ज़रूर लगता है। सो देखो मैं नोज़ पे फिंगर से ही लगा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। अभी हाँ थोड़ा सा टिप पे भी लगा लूँगी, इस पर ना बहुत अच्छा ग्लो करता है, जब लिपस्टिक लगाऊँगी ना फिर देखना कितना अच्छा ग्लो आएगा। तो मैं लिपस्टिक ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊँगी, बिल्कुल नॉर्मल हमारे मेरा जो लहंगा है ना पिंक कलर का, उसी कलर का मैट में पिंक लिपस्टिक लगाऊँगी क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं पसंद है, मैं सिंपल सोवर ही मेकअप करती हूँ। तो अभी दिन का टाइम है और ये मेकअप करके मैं बाहर भी निकल सकती हूँ, इतनी प्रिटी लग रही थी मैं, सब लोग बहुत तारीफ़ किए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे मेकअप चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोलो, मैं इससे अच्छा अच्छा मेकअप लेके आऊँगी। तो देखो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगाने के बाद लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो अगर रेड भी लगाती तो अच्छा लगता बट मुझे नहीं पसंद है रेड, तो बस अभी लगा लेते हैं उसके बाद देखिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहें। और कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी सो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। मैं ये कान का ट्राई कर रही थी बट मुझे अच्छा नहीं लगा सो मैंने दूसरा कान का पहन लिया, ये नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कान में, तो बस मैं दूसरा कान का पहन लेती हूँ अभी। देखिए ये अच्छा लग रहा था। अब बस बाल को मैं ऐसे ही नॉर्मल जूड़ा बना लेती हूँ, आप खोल के भी रख सकते हो, खोल के भी बहुत अच्छा लुक आता है बट मैं बहुत ज़्यादा गर्मी था सो आप लोग जूड़ा ही बना सकते हो, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जूड़ा ही बनाओ क्योंकि जूड़ा सही रहता है। तो देखो ऐसे ही जिग जग करके मैंने फटाफट जूड़ा बना लिया, बहुत रफली जूड़ा बनाई थी क्योंकि रफली जूड़ा अच्छा लगता है मुझे, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही हैं तो रफली जुड़ा ही अच्छा लगता है। सो देखो मैं बना दी, अब बस मेरा मेकअप डन हो गया, बिल्कुल सिंपल सोबर और क्यूट सी मेकअप तैयार हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना।
और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर करना। और इसका मतलब दशहरा दिवाली में बोलो, ऐसे तैयार हो लोग, सब लोग देखते रह जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। सो देखो मैं कैसी लग रही हूँ और कमेंट में ये भी बताना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ख्याल रखना, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये फाइनली मेरा लुक है जो मैं पूरा मेकअप करने के बाद तैयार हुई हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।